खामोशियां बेचैनियां नादानियां। नंदू प्लीज कुछ करो ना। एप्पल का? अरे एप्पल का नहीं, एड्स पेशेंट का। अब एड्स पेशेंट को मैं जिंदा तो नहीं कर सकता भाई, मैजिशियन हूं नहीं। वो अलग बात है, कॉलेज के जमाने में लड़कियां मुझे जादूगर बुलाया करती। शक्ल से तो तुम जादूगर ही लगते हो। ये कुछ ज्यादा हो गया है चांदनी। सॉरी सॉरी बाबा सॉरी। नंदू तुम बन जाओ ना एड्स पेशेंट। कहाँ से बन जाओ एड्स पेशेंट, लड़कियों से बात तक तो करने नहीं देती हो तुम। नंदू मैं सच का एड्स पेशेंट बनने के लिए नहीं कह रही, सिर्फ एक्टिंग करने के लिए कह रही। मैं एक्टर नहीं हूँ जी, मैं राइटर हूँ, मेरे से लिखवा लो। चुप करो नंदू, तुम कहाँ से ढूंढू एक्टर। भाभी। क्या भाई? से भाभी देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। तेरे पेट में किसका बच्चा है? भाई बच्चा नहीं बच्चा है, खाना लाया हूँ दोनों के लिए बचा हुआ। बढ़िया है नंदू, कमरे में आना। क्या हुआ? मेरा काम हो गया नंदू। तुम किसी का बचा हुआ खाना खा लोगी? अरे नहीं मैं पप्पू की बात कर रही हूँ। पप्पू को खाओगी? अरे नहीं बाबा, क्यों ना हम पप्पू को एड्स पेशेंट बना दे। क्या कह रही हो चांदनी? भाई है मेरा, वो इलाज का सारा खर्चा मुझे उठाना पड़ेगा। ओहो नंदू, मैं पप्पू को एड्स पेशेंट की एक्टिंग करने को कह रही हूँ, और कौन सा हम उसे बताएंगे कि वो एड्स पेशेंट है। हाय क्या सोचा है मैंने, इतनी समझदार हूँ मैं। इतनी चीप हो तुम, कितनी गिरी हुई हो। गिरी? मैं तो खुद बैठी हूँ और ये बेड काफी महंगा है, चीप नहीं है। नो नेवर। हाय हाय हाय। आइए मेरा वो, कैसी बातें कर रही हो? $1000 $1000। मैं खुद बात करूंगा उससे। आइए मेरा वो। हाँ। मना थोड़ी करेगा मुझे, बना लूंगा उससे। देखो आंटी से कहो कि एक दो महीना और होल्ड कर ले, एक बार मेरा फिल्म का शूट कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद मैं अपने भाई भाभी को तुम्हारे घर भेज दूंगा डायरेक्टली। अच्छा पप्पू तुम आजकल कहाँ शूटिंग कर रहे हो? मैं आजकल ब्रेक पर हूँ, लेकिन अगले महीने से शूट पर जा रहा हूँ पेरिस। पेरिस? वाव। अच्छा सुनो ना। हाँ बोलो जान। हम हनीमून के लिए कहाँ जाएंगे? हम हनीमून पे? अरे तुम भी क्या याद करोगी, मैं तुम्हें जौनपुर ले जाऊंगा। क्या? हाँ लेकिन किसी को बताना मत, आजकल लोगों की नजर बहुत लगती है। पप्पू। अच्छा सुनो जान, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद मिस कॉल दूंगा, कॉल कर लेना। ओके ओके बाय। हाँ भाई। किसका फोन है? मेरा फोन है। मजाक कर रहा है? नॉटी मेरे से मजाक कर रहा है। अरे भाई सच बोल रहा हूँ, मेरा ही है कसम से। चल छोड़ छोड़ छोड़। टूट जाएगा भाई। इतना भी कमजोर नहीं है, टूट जाएगा मेरा हाथ। भाई मैं हाथ की नहीं फोन की बात कर रहा हूँ। तो तेरे हाथ में है। ओफो क्या बोलना था बोलो। कैसे बोलूं, फोन तेरे हाथ में है। फालतू में फोन रख दिया मैंने। रखा कहाँ है, फोन तो तेरे हाथ में है। अरे भाई तुम मेरी लाइन बार बार रिपीट क्यों किए जा रहे हो? क्योंकि फोन तो तेरे हाथ में है ना पप्पू। नंदू तुमने पप्पू से बात की? वही करने जा रहा हूँ। कहाँ? बात। अरे उसके लिए कहीं जाने की क्या जरूरत है, पप्पू तो यहीं खड़ा है ना। अरे हाँ भाई बोलिए। पप्पू बात ये है कि जस्ट तू इमेजिन कर कि तुझे एड्स हो गया है। एड्स? अरे नहीं 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 पप्पू, बैठो आराम से। तुम भी ना नंदू, तुम ये सोचो कि अगर तुम्हें इंटरनेशनल एड फिल्म में काम करने का मौका मिले तो तुम क्या करोगे? मैं नींद से जाग जाऊंगा भाभी। पप्पू मैं सीरियसली कह रही हूँ, सीरियसली मुझे एड फिल्म करने का मौका मिला है और मैं ऑडिशन ले रही हूँ, तो मैंने सोचा मैं अपने देवर का भी ऑडिशन ले लूँ। क्या भाभी आप सच में झूठ बोल रही हैं? मैंने बोला था ना समझ जाएगा ये। और जस्ट शट अप नंदू, तुम भी ना। पप्पू मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तुम्हें? तो नंदू से पूछ लो। नंदू से क्यों पूछ रहे हो, मुझसे पूछो मैं बताऊंगी ना। भाभी ऐसा है मैं जितना शक्ल से बेवकूफ लगता हूँ ना उतना भी नहीं हूँ। बताने की क्या जरूरत है, We all know यार। देख हम लोग सिर्फ ये समझा रहे हैं कि जो बात ये बता रही है ना वो इस सेम में बता। भाई आप बेकार में मेहनत कर रहे हो। I am not interested। हाय हाय हाय। देख इसमें इंटरेस्ट वाली बात नहीं है। पापा। अबे ये तो मेरा कॉपीराइट है। चांदनी तुम पापा के इंटरव्यू लोगी अब? नंदू ब्लैकमेल ब्लैकमेल।
पापा पापा देख रहे हैं अपने छोटे बेटे को, कितनी उम्मीदें थी आपको इससे। आप ही अपने छोटे बेटे पप्पू को हॉलीवुड फिल्मों में देखना चाहते थे ना? अरे नहीं भाई, पापा सिर्फ फिल्में देखना चाहते थे। चुप कर पप्पू, चुप कर, तुझे कुछ नहीं पता रे, तो उस वक्त वहां नहीं था। तो मैं कहाँ था भाई? तो भगवान के पास था रे। पप्पू ये तुम्हारा दूसरा जन्म है क्या? अरे कम इमोशनल सीन चल रहा है, चांदनी बीच में इंक्वायरी लेके बैठ गई तुम। सॉरी सॉरी, प्लीज कंटिन्यू। पापा पप्पू देख देख पापा की इस तस्वीर की तरफ देख, अपनी तिरछी निगाहों से ये तेरी तरफ देख रहे उम्मीद भरी निगाहों से। सेल्फिश खुदगर्ज, पापा की इन तिरछी निगाहों में आंसू देखना चाहता है? नहीं भाई नहीं, बस करो भाई बस। नहीं कार लेने आएगी तुझे? हाँ ठीक, दोपहर 3 बजे तैयार है ना? एंड गिव योर बेस्ट। यस ऑल द बेस्ट पापा। देखो थोड़ी देर में यहाँ एड्स पेशेंट आने वाला है, लेकिन ये बात उस पे जाहिर नहीं होने देना। अंडरस्टूड? ओके नाउ बैक टू वर्क, चलो चलो जल्दी। क्या है ये? घड़ी है। ये ठीक नहीं है। अरे बिल्कुल ठीक है, करेक्ट टाइम बता रही है। ये देखो 3:15 बज रहे हैं। मैं घड़ी की नहीं पप्पू की बात कर रहा हूँ। मेरे भाई के साथ तुम ठीक नहीं कर रही हो। क्यों? वो बदनाम हो जाएगा। हाँ तो कौन सा, उसे धनतोला में नोबेल प्राइज मिलने वाला था। पर ये आया क्यों नहीं अभी तक? नोबेल प्राइज? अरे नहीं पप्पू, उसे कुछ हो तो नहीं गया? क्यों? एड्स है ना उसे। क्या? हेलो एवरीबॉडी। अबे रुक छोटे भीम, अबे लगता है इन लोगों ने स्टार नहीं देखा कभी। चांदनी एक बार फिर सोच लो पप्पू का इंटरव्यू लेने से पहले। मैडम वो पेशेंट आ गया। अच्छा ठीक है, उसका ख्याल रखना और देखना किसी को शक ना होने दे, और उसको भी ना शक हो। हाँ जाओ। ओके मैडम। और नंदू तुम भी पप्पू से कुछ नहीं कहोगे? हाँ नहीं चांदनी, पप्पू मेरा भाई है। $1,000 किसी को कुछ नहीं कहने दूंगा आज। चलो चलो आओ। हेलो सर। हेलो क्या चल रहा है? पंखा चल रहा है सर। अरे वाह क्या सस्ता जोक मारा है तूने, चल हाथ मिला इसी बात पे। नहीं सर मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अबे मिला ले, वैसे भी सिकंदर हर किसी से हाथ नहीं मिलाता है। सिकंदर हैंडीकैप है सर। अबे कैसी थकी हुई बातें कर रहा है, चल मिला हाथ। नहीं सर मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अबे मिला ना। नहीं सर मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अरे पप्पू क्या कर रही हो तुम? अभी मैं इससे हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा था। पप्पू तुम स्टार हो, सुपरस्टार, और सुपरस्टार ऐसे छोटे मोटे लोगों से हाथ नहीं मिलाता। अच्छा चल मैं गरीब आदमी, बाहर निकल। ओके सर। और भाई पप्पू कैसा है? ठीक हूँ। नंदू मुझे बहुत टेंशन हो रही है, 4 बज गए और अभी शिफ्ट खत्म हो जाएगी। ये मेकअप आर्टिस्ट कहाँ है? किधर है भाई मेकअप? हेलो। ओह हाय हाय, ये वो हैं आपके? वो नहीं नहीं मेरे वो तो ये हैं। ये है वो? नहीं नहीं मैं वो नहीं हूँ, मैं इनका वो। वो तो वो है। ओहो क्या कंफ्यूजन है, ये वो है जिनका मेकअप भी करना है और इंटरव्यू भी। हेलो। हाय। चले कहाँ? मेकअप रूम में। भाई जा 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 ना। थैंक यू भाई। चले चलिए। अब चलिए अब अपनी आंखें बंद कीजिए। आंखें बंद करने की क्या जरूरत है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा कसम से। लेकिन यहाँ तो सबको सब कुछ पता है। सबको सब कुछ पता है? अरे वाह इसका मतलब हमें डिस्टर्ब करने कोई नहीं आएगा। हाँ कोई नहीं आएगा, सबको पता है कि आपका मेकअप हो रहा है। मेकअप? हाँ मेकअप, इसलिए तो लेकर आई हूँ आपको यहाँ पर। अच्छा फिर मैं अपनी आंखें बंद ही कर लेता हूँ। ये लो कर ली बंद। हाथ हटाइए,
मुझे पफिंग करनी है। क्या करनी है? पफिंग। पफिंग करनी है, ठीक है कीजिए। अरे ये ग्लव्स क्यों पहन रहे हैं आप? वो अच्छा 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 मैं समझ गया, ताकि आपके हाथों के जर्म्स मेरी सॉफ्ट स्किन पे ना लग जाएं, है ना? हाँ ऐसे ही कुछ समझ लीजिए। एक मिनट। हाँ स्वीटी, अरे मैं यहाँ सेट पर हूँ। तुम्हें पता है बॉलीवुड वाले ना मेरा इंटरव्यू लेना चाहते थे। अरे हाँ तो अपनी मम्मी को लेकर यहाँ सेट पर आ जाओ ना, उन्हें भी तो पता चले कि उनका होने वाला दामाद कितना बड़ा स्टार है, सुपरस्टार है। एक मिनट होल्ड करना, ये लीजिए। लेकिन मेरे पास तो फोन है। नहीं मैं आपको फोन दे नहीं रहा हूँ। फिर मेरी गर्लफ्रेंड को यहाँ का एड्रेस समझा दीजिए। जी। हाय हाय हाय। हेलो। चलस। जी मिसेस बल्ला। क्या? अच्छा ठीक है, डू मरी, मैं संभाल लूँ। बाय। क्या हुआ? मिसेस बल्ला नहीं आ रही, but don't worry, I'll manage. Okay. सुनिए। आप लोग कौन हैं? हम लोग ह्यूमन राइट्स से आए हैं, एज पेशेंट के साथ फोटो खिंचवानी। अच्छा अच्छा तो वो ये हैं? नहीं ये तो मेरे वो हैं। ओ तो फिर वो कहाँ है? वो वही हैं अंदर। तो फिर चले। हाँ चलिए अंदर, आप पहले। हाँ आप। यस यस टेक इट फास्ट। चकोर अखियों की डोर है, कभी चांद लेके उड़ जाए रात, छुप जाए चोर है, खामोशियां बेचैनियां नादानियां, तेरे बिना लगता नहीं दिल जानिया। एक मिनट, ये पकड़िए आप, आइए आगे आ जाइए। ये मत कीजिए आप। ओह आई अंडरस्टैंड, इतने बड़े स्टार के साथ फोटो खिंचवाने के लिए आम आदमी कंफर्टेबल नहीं होता है। आइए मामा आइए, वो है ना वो पप्पू है। तुम तो कह रहे थे ये लड़की बहुत अच्छी है। ये तो अच्छा हुआ कि उस दिन तुम्हारा झूठा खाना मैं घर नहीं ले गई, वरना आज तुम्हारी जगह मैं और मामा बैठे होते। आप गलत समझ रही हैं। हाँ माया तुम गलत समझ रही हो, झूठा खाना खाने से एड्स नहीं होता है। बताओ तुम्हें नहीं पता क्या एड्स किसको हुआ भाई? तुम्हें। खामोशियां बेचैनियां नादानियां,